हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर। बेसिकली ये मेरा सबसे पहला वीडियो है, तो आपको थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी जैसे कि UPSC, स्टेट PCS, रेलवे, व्यापम, SSC आदि में लगे हुए हैं, जिसमें मेरी कोशिश यह रहेगी कि एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को अलग अलग लेक्चर में कवर कर सकें, जिसमें सबसे पहले हम भारतीय इतिहास से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ें इतिहास को और क्या पढ़ें। उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे दो चीज़ें होती हैं, पहला तो उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ पाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं वो हमें पहले ही पता चल जाते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं भारतीय इतिहास को। अब देखते हैं भारतीय इतिहास के सिलेबस में पढ़ना क्या है हमको। तो इसमें मुख्यतः मानव की उत्पत्ति से अभी तक की जितने भी घटनाएं घटित हुई है उनका क्या करना है, हमको क्रमवार क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत का इतिहास चालू करते हैं। ठीक, तो जो भारत का इतिहास है उसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। तो पहले प्राचीन भारत में देखते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। प्राचीन भारत सबसे पहला आता है पाषाण काल, इसको बोला जाता है स्टोन एज बोला जाता है, यहीं से क्या हुआ, मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहली नगरी सभ्यता कहलाती है। इसके बाद आएगा वैदिक काल, आगे चल के वैदिक काल भी दो भागों में बांटता है, एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब वैदिक काल के समय क्या होता है कि यज्ञ कर्मकांड ये सब बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि नास्तिक संप्रदाय का उदय होता है, जिसको बोला जाता है बौद्ध और जैन दो नास्तिक संप्रदाय का उदय होता है, इसी को महाजनपद काल भी बोला जाता है। तो उसके बाद ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आ जाएगा मौर्य काल, आ जाएगा मौर्य काल में बड़े बड़े राजा आए हैं, अशोक आया है, इसी करके बहुत। लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, इन जो मौर्य काल आए यहाँ से क्या था, भारत को एक स्थिरता प्रदान होता है, एकीकृत भारत का यहाँ से शुरुआत होता है बोल सकते हैं। मौर्य के बाद आपका आएगा मौर्योत्तर आएगा, उसके बाद आएगा गुप्त आएगा, गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य सब बड़े बड़े हुए हैं सब राजा। इसके बाद आएगा गुप्तोत्तर आएगा, यहाँ तक हमारा क्या है पूरा सिलेबस है प्राचीन भारत का। इसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आपका है सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, महाजनपद काल हो गया, और पाषाण काल से भी एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन पाषाण काल एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक है। जनरली आपका प्राचीन भारत ही पूरा फैक्चुअल बेस्ड टॉपिक है, लेकिन मुख्यतः प्रासाण काल जो ऐसा है ना कि उसमें टोटल टोटल फैक्ट पूछा जाता है कि ये कहाँ से मिला, इसका ये कहाँ से हुआ, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं मध्यकालीन भारत की ओर थोड़ा सा। तो मध्यकालीन भारत मुख्यतः तीन भाग में बटा हुआ है। पहला आएगा आपका आरंभिक मध्यकाल। आरंभिक मध्यकाल में हमको क्या पढ़ना है, इसमें कुछ विदेशी आक्रमण भारत में, जैसे मुहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ। उसके बाद आएगा आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमको पाँच वंश के बारे में पढ़ना है, पांचों वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपका पूरा आएगा अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ये सब पूरा इसमें आएगा। उसके बाद हम लोग जान ही रहे हैं मुगल काल। मुगल काल से इसका स्थापना करता है बाबर, करता है शेर शाह सूरी कुमार। उसके बाद सिक्वेंस बाबर, हुमायूं, अकबर करके लास्ट कौन आएगा, तो बहादुर शाह जफर आता है। उसके बाद जो हमारा जो पूरे भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट वो है हमारा क्या है, आधुनिक भारत। तो उसके बाद हम लोग कहाँ मूव ऑन करते हैं, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में देखेंगे सबसे पहले क्या, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा। ठीक है, जैसे ही मुगल काल के अंत आते जाएगा कि इसका आएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है भारत में। अब यूरोपीय सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली आएंगे, फिर डच, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। अब इन लोग को जो भारत में आते हैं तो किस उद्देश्य से आते हैं, इन लोग भारत में आते हैं व्यापार के उद्देश्य से। लेकिन धीरे 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 क्या करते हैं, इन लोग सत्ता को हथियाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए लोग दो युद्ध भी किए हैं, एक प्लासी का युद्ध हुआ है और दूसरा बक्सर के युद्ध, प्लासी 1757 और बक्सर 1764 में।
उसके बाद कुछ संधियां भी होती है जिसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्या होते हैं, भारत के सत्ता के इनको हथियाना शुरू कर देते हैं। उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ एक क्रांति होती है, बहुत बड़ी बड़ी क्रांति, इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की। अब कांग्रेस की स्थापना क्यों होती है, कि ब्रिटिश सरकार के समक्ष हम लोग क्या करें, अपने मांगों को रख सकें, इसलिए क्या होती है, एक ऐसी संस्था है इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्या है, गांधी पूर्व गतिविधि, गांधी के आने से पहले क्या क्या गतिविधियाँ हुई हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1918 के बीच में, 1916 में होम रूल होता है, ये सब पूरे एक एक करके एक एक टॉपिक में हम इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आएगा गांधी युग आएगा तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है कि इसमें दो दो टाइप से आंदोलन पढ़ने हैं। पहला क्या पढ़ना है कि गांधी जी के कुछ जो क्षेत्रीय आंदोलन है उनको पढ़ना है, और दूसरा है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। तो गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन में क्या क्या आते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये सबको पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें आएगा आपका एक पढ़ना है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। ये बहुत बड़े बड़े आंदोलन को व्यापक पैमाने में हुआ था, जो कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन आंदोलन के थ्रू ही क्या हुआ, भारत आज क्या हुआ, आज़ाद हुआ है। तो ओवरऑल हमको यहाँ से एक नॉलेज मिल जाता है कि हमको जो भारत की इतिहास उसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो भारत के इतिहास है, अभी हमको तो ये पता चल गया कि तीन भागों में बंटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू टाइप का, ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, कि सबसे ज़्यादा किसको पढ़ना है, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं। देखो तो पढ़ना अलग चीज़ होता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कंट्रीब्यूशन कितना है तीनों का, तो आप देख सकते हैं कि चार्ट के माध्यम से इसको शो करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखिए तीन आपको दिख रहा है, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का कंट्रीब्यूशन आपको दे, प्राचीन भारत जो ब्लू में है और मध्यकालीन भारत जो रेड में है, इनका कंट्रीब्यूशन देखिए आधुनिक भारत के कंपेरिजन में बहुत कम है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन रहेंगे, मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन रहेंगे, जो पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन है वो कहाँ से रहेंगे, आधुनिक भारत। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ रहेगा, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत का हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एक कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा, जो आधुनिक भारत है इसको तो आप यहाँ रेड मार्क करके रख लीजिए, आप जिसको बताएँ आधुनिक भारत में क्या क्या, 2-3 चीज़ें बताएँ। पहले हमको क्या रहना है, इसके लिए मोर फोकस्ड रहना है। दूसरा क्या बताया, इसको डिटेल्ड में स्टडी करना है। तीसरा क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, इससे हमको क्या क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं हर टॉपिक में आपको क्वेश्चंस बताते चलूंगा कि अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, कहाँ पूछा गया, हर चीज़ में आपको बताते चलूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये देखते हैं, आपको कुछ बुक्स बताया था दोस्तों कि क्या बुक्स आपको प्रीफर करने चाहिए अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से है कि ज्ञान पब्लिकेशन के आते हैं, हिस्ट्री के ज्ञान पब्लिकेशन की बुक, जी हाँ, ये क्या आता है इसमें। लेकिन आपको 2 चीज़ें पढ़नी, एक कौन प्राचीन भारत और दूसरा मध्यकालीन भारत, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है। और दूसरा आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम की बुक आती है आधुनिक भारत की। आपको इसके अलावा किसी और चीज़ को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आप NCERT 6th to 10th प्रीफर कर सकते हैं, एक बार उसको रीडिंग मार लेना बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कर ले तो, NCERT 6th to 10th। इसके बाद क्या करना है, इतना पढ़ने के बाद आप लेक्चर देखेंगे ही, उसके बाद क्या करना है, आपको ल्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव आता है सामान्य ज्ञान का, या फिर आता है घटना चक्र आता है आपका, सब्जेक्ट वाइज आता है दोनों। तो उसको लेके हम क्या कर सकते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कि आप लेक्चर अटेंड करेंगे उसका आप खुद देखेंगे पूरे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे आने और सबसे पहला लेक्चर मेरा रहेगा पाषाण काल, वहाँ से शुरुआत करूंगा, देखते हैं फिर वहाँ से कंटिन्यू एक के बाद एक लेक्चर में पूरे हिस्ट्री को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी टॉपिक पर इस लेक्चर में अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो भी अपलोड करूँगा।
तो अगर आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा किसी प्रकार के डाउट, सुझाव या सुधार हेतु आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या फिर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।